2026 ब्रांड न्यू चीट कोड इन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो भाई सर, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का ब्रांड न्यू अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर में बहुत ही कमाल की चीजें देखने को मिली है। तो भाई जितने भी न्यू चीट कोड आए हैं, इसके अलावा जितने भी RGS टूल वाले चीट कोड आए हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके अंदर भी काफी सारे सीक्रेट्स हैं जो कि काफी कम लोगों को पता है, वो भी आज के इस वीडियो के अंदर आपको जानने के लिए मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कल की टॉप 10 चेंजेस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आप हाउस के कलर को चेंज कर सकते हो, बट मैंने आपको ये भी बोला था कि आप कौन कौन सा कलर कर सकते हो, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलो मैं आपको सारे के सारे कलर्स बताता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको टाइप करना है HOUSE हाउस, उसके बाद आपको टाइप करना है COLOR, ये वाला कलर टाइप करना है, COLUR वाला टाइप नहीं करना है, ठीक है। अब गाइस ये वाले वर्ड्स को आपको कॉपी करना है ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। और इसके अगर आपको कलर का नाम लिखना है, लाइक मैं लिखता हूँ रेड, और उसके बाद जैसे राइट करूंगा, ये देखो गाइस अपने घर का कलर लाल हो चुका है, और भाई कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ये घर। अब चलो गाइस दूसरे कलर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, कौन कौन से कलर आप इस घर पे लगा सकते हैं। और गाइस जो सबसे लास्ट वाला कलर मैं आपको बताऊंगा, वो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है, उसे देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हाउस कलर मैंने सीधा पेस्ट करा और ब्लू लिखा, तो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर हो चुका है। तो भाई प्रॉपर ब्लू कलर होना था, लेकिन यहाँ पर हल्का सा लाइट है, यानी कि स्काई ब्लू है। चलो फोर्थ कलर ट्राई करते हैं, बिकॉज व्हाइट ऑलरेडी था, रेड एंड ब्लू हमने ट्राई कर लिए। अब फोर्थ कलर है येलो। जैसे आप येलो टाइप करके राइट करोगे, ये देखो भाई साहब, तो भाई येलो घर है ना, सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है येलो कलर, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट सिंगल कलर बच चुका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हाउस कलर टाइप करना है फटाफट से, और यहाँ पर आपको लिखना है ग्रीन। तो गाइस ये लास्ट कलर है सिंगल कलर में, ठीक है, मल्टीपल कलर में कौन सा कलर आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई ग्रीन में भी काफी क्यूट लग रहा है, लेकिन येलो सबसे ज्यादा बेस्ट था। अब गाइस बताता हूँ सबसे खतरनाक मिस्टीरियस कलर। तो गाइस आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है RGB हाउस कलर एंड RGB। जैसे आप राइट करोगे भाई साहब, ये देखो आपका घर RGB हो चुका है। पहले सिर्फ आप गाड़ियों को RGB कर सकते थे, लेकिन अब तो भाई हाउस को भी आप RGB कर सकते हो। हाँ, पुराने वाले घर को नहीं कर सकते, ओनली नए वाले घर को। इसके अलावा गाइस अगर मैं यहाँ पर इस कलर को हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हाइट। देखो यहाँ पर लेफ्ट में चीट कोड एक्टिवेट का ऑप्शन भी आ चुका है, लेकिन कलर व्हाइट नहीं हुआ, कलर अभी भी RGB है। तो चलो मैं आपको एक बार दूसरा कलर डाल के दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन। तो क्या RGB से ग्रीन होगा? नहीं हुआ गाइस। देखो चीट एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन RGB जो कलर है वो चेंज नहीं होता, यानी कि एक बार आपने RGB कर दिया ना, उसके बाद आप कलर चेंज नहीं कर सकते। अब एक और मिस्टीरियस चीज मैं आपको दिखाता हूँ, RGB कलर करने के बाद अगर आप घर के अंदर जाते हो, तो पूरा घर ग्लास का बन चुका है, कांच का घर भाई, सी स्मेल बन चुका है भाई साहब। यहाँ पर आप सारी चीजें आर पार देख सकते हो दीवार के, देखो ऊपर की जिम की मशीनें सारी दिख रही है, और यहाँ पर शेर की पेंटिंग जो है ना वो तो एकदम क्लियर दिख रही है, मतलब बाहर की साइड में, लेकिन पूरा घर अपना देखो कांच का बन चुका है भाई, सब कुछ हम देख सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर आप जाओगे ना तो आप ऊपर से नीचे नहीं देख सकते, लेकिन नीचे से आप ऊपर देख सकते हो, ये पता नहीं क्या ही लॉजिक है। RGB कलर करने के बाद ये बहुत ही तगड़ा वाला ग्लिच हो चुका है। तो आई थिंक ये वाला जो ग्लिच है ना, 5-6 MB का अपडेट आएगा प्ले स्टोर पर, तब ये फिक्स कर देंगे रोहित भाई, जहां तक मुझे लगता है। तो बाकी ये है काफी कूल, मतलब यार एकदम ग्लास वाला घर मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो गाइस ये था अपना फर्स्ट RGS टूल का चीट कोड, अब बात करते हैं सेकंड चीट कोड की। अब गाइस जो सेकंड चीट कोड है ना, वो तो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है, और गाइस ये इंडियन बाइक ड्राइविंग के अंदर पहली बार होने जा रहा है। तो उसके लिए गाइस आपको RGS टूल ओपन करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है FAN ऑन, ठीक है। फैन ऑन करोगे भाई साहब, ये देखो पंखा चालू हो चुका है। अब काफी लोग क्या करेंगे, बुलेट फायर करेंगे, RPG फायर करेंगे, और पंखे को रोकने की कोशिश करेंगे, भाई ऐसे नहीं रुकेगा, मर्दानी पंखा है। तो अगर आपको सर्दी लग रही है ना, तो गाइस आपको पंखा बंद करने के लिए फैन ऑफ टाइप करना होगा RGS टूल के अंदर, और पंखा एकदम से सडनली रुक जाएगा। तो ये लॉजिक मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, भाई एकदम से रुक चुका है। अब गाइस चलते हैं टेलीविजन के पास, और टेलीविजन ऑन करने का चीट कोड आजमाते हैं, क्या पता टेलीविजन भी ऑन हो जाए। तो सबसे पहले तो सिंपल सा एकदम टीवी ऑन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, टेलीविजन टाइप करते हैं और ऑन लिखते हैं, टेलीविजन ऑन, ठीक है भाई, और अभी भी ऑन नहीं हुआ है। एक लास्ट चीट कोड ट्राई करते हैं, टीवी स्विच ऑन। अब तो गाइस हो जाना चाहिए प्लीज। अरे यार रोहित भाई ने टीवी वाला अपडेट नहीं डाला है, बहुत ही ज्यादा बेकार। चलो यार कोई बात नहीं, अगले अपडेट के अंदर टीवी भी चालू हो जाएगा।
ओके गाइज, अब नंबर वाले चीट कोड आ चुके हैं। हाँ गाइज, आरजेस टूल वाले बस दो ही चीट कोड आए थे, अब नंबर वाले चीट कोड। जैसे कि 606 डायल करोगे तो गाइज पुराने वाले फायर ट्रक को निकाल के अब न्यू वाला फायर ट्रक ऐड कर दिया है। वैसे गाइज ये पुराना वाला फायर ट्रक है वो न्यू वाला था, मतलब न्यू वाले को हटा के पुराना फायर ट्रक ऐड कर दिया है। और इसकी जो डिटेलिंग है ना पुराने वाले से भी काफी ज्यादा अच्छी है, ये मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर भी बताया था, पिछले वीडियो के अंदर। तो भाई मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया ये वाला फायर ट्रक। बस यार एक चीज की कमी है, अगर इस फायर ट्रक में बैठने के बाद यहाँ पर कोई राइट वाला सिंबल आए जिससे कि हमें मिशन करने का ऑप्शन मिल जाए, इस फायर ट्रक वाले मिशन, जैसे कि आग बुझाना और बंदों को बचाना जो भी आसपास हमारे घूम रहे, तो गाइस कैसा रहेगा आप कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे गाइस, ये था 606 का चीट कोड और ये नंबर वाला पहला चीट कोड था। अब गाइस आप सभी को पता है कि भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D एक इंडियन गेम और इसके अंदर पहले से काफी सारी इंडिया की गाड़ियां भी ऐड करी गई है, लेकिन एक गाड़ी की कमी थी जो कि ये गाइस बोलेरो। आप सभी को पता है कितनी ज्यादा पावरफुल कार है ये, सॉरी SUV है, और इसका इंटीरियर भी एग्जैक्ट वैसा ही रखा गया जैसे कि रियल लाइफ में होता है। चलो मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, ये देखो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ये एक गेम है और रियल लाइफ में काफी फर्क होता है। वैसे गाइस इसको चलाने में काफी ज्यादा मजा आएगा बिकॉज इसकी जो स्पीड है ना काफी हद तक तेज है। चलो गाइस अब यहाँ पर बोलेरो गेम के अंदर ऐड हो ही चुकी है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी SUV अच्छी लगती है, फॉर्चूनर, बोलेरो या फिर थार? जल्दी से कमेंट में बताना बिकॉज तीनों की तीनों गाड़ियां गेम के अंदर अवेलेबल है और तीनों का आप बहुत ही इजीली चीट कोड से स्पॉन भी कर सकते हो। अब गाइस जो हमारा पांचवा चीट कोड है ना वो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और आप सभी लोगों को 100% पसंद आया होगा। तो गाइस अगर आप 320 डायल करते हो ना तो गाइस आपको यहाँ पर एक जेट पैक देखने को मिलता है जो कि हमें GTA 5 के अंदर देखने को मिलता है। भाई GTA 5 वाला जेट पैक सीधा ही इंडियन बाइक के अंदर ऐड कर दिया, बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे ज्यादा इजी तो मुझे लगे इसके कंट्रोल, भाई सच में बहुत ज्यादा इजी है। चलो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ आप इसे कैसे इजीली उड़ा सकते हो। सबसे पहले इसको चालू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है हवा में जाने में, ठीक है। अब मान लो कि आपको इसको रोटेट करना है तो यार राइट में दो एरो आपको दिख रहे होंगे ना, तो अगर आप राइट वाला एरो दबाओगे तो राइट में मूव करेगा और लेफ्ट वाला दबाओगे तो लेफ्ट में मूव करेगा, तो बहुत इजी है। और इसे आप जॉयस्टिक से भी पूरा रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, बट उसके लिए आपको इसको पूरा झुकाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एक्सीलेटर दबाओगे तो आपका जेट पैक ऊपर जाएगा, ठीक है, आप मूवमेंट के साथ में आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हो, और अगर आप यहाँ पर रिवर्स ब्रेक दबाओगे तो नीचे की तरफ जाएगा। और FPP वाला जो व्यू है ना वो भी मुझे काफी सही लगा, अगर मुझे यहाँ से ऊंचाई से कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ से मैं इजीली ले सकता हूँ। तो मुझे तो ये वाला अपडेट, मतलब ये वाला जेट पैक बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ओके गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर अपने लास्ट चीट कोड की, तो इसके लिए आपको डायल करना है 330। तो गाइस इससे यहाँ पर छोटे वाला जो है जेट पैक आएगा जो कि हमें GTA सन एंड्रियास के अंदर देखने को मिलता था। अब यहाँ पर मैं एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाला हूँ बिकॉज गाइस इसका जो कंट्रोल है ना वो तो बिल्कुल सेम है जो अभी मैंने आपको जेट पैक दिखाया था उसकी तरह, ठीक है। अब यहाँ पर आप कितनी भी बुलेट फायर कर लो इसके ऊपर, RPG चला लो या फिर स्टिकी बॉम्ब चला दो, भाई इसको कुछ भी नहीं होने वाला। बस ये थोड़ी देर ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद भाई कहाँ गया रे, अबे वो आया गाइस देखो, कुछ भी नहीं होने वाला भाई, इसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो गाइस इसी से मुझे एक चीज याद आ चुकी, भाई अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े ग्लिचेस और अच्छे अच्छे मिथ्स आप जल्दी से कमेंट कर दो, अगली वीडियो उसी पर आने वाली है। न्यू अपडेट के अंदर तो भाई धमाल मचाने वाले हैं और इसका जो कंट्रोल है ना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यार अभी GTA 5 के जेट पैक में मैंने आपको दिखाया था। लेकिन गाइस एक चीज मुझे बहुत बेकार लगती है, जैसे कि मैं इसको मूव कर रहा हूँ ना तो इसको जो पैर है ना वो बिल्कुल सीधे रह रहे हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे ना, तो बहुत ही बेकार लग रहा है। और इसका FPP व्यू काफी ज्यादा वाइड है तो स्क्रीनशॉट उससे भी ज्यादा बड़े आने वाला है। अब देखो यहाँ पर एक चीज करते हैं और भाई दीवार से टकरा के बेचारे को नीचे फेंक दिया। सो बस गाइस आज की वीडियो में नहीं, अभी तक मुझे इतने ही चीट कोड पता चले हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इतने ही चीट कोड आए थे, अगर और चीट कोड होते तो भाई दो दिन के अंदर तो पता चल ही जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जितने भी चीट कोड थे गाइस अभी तक मेरे ध्यान में और यूट्यूब पे मैंने जितने भी देखे थे सब कुछ मैंने आपको रिसर्च करके बता दिया है। तो बस गाइस आज की वीडियो में नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो बिकॉज बहुत ही तगड़ा कॉन्टेंट आने वाला है न्यू अपडेट के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लव यू ऑल।